चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। लोक जनशक्ति पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कल भी मुझे खुशी है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो उस वक्त भी हमने सारे पदाधिकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा, उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेशनल बॉडी के हों, स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडेंट्स हों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, हमारी जिला समिति के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, उन सब की सहमति और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्होंने बनाई, विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं बोलूँगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ, ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी।